छोटी सी स्ट्रॉबेरी वैली में एंजेला रहती थी, जो एक बहुत वाइज और क्लेवर गर्ल थी। वो इस पूरी वैली में हर तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली गर्ल के तौर पर जानी जाती थी। एंजेला को डिफरेंट बुक्स पढ़ने और उनसे नॉलेज हासिल करने का बहुत ज़्यादा शौक था और वो डिफरेंट डिजीज़ और उनके सिम्टम्स के बारे में भी मालूमात इकट्ठा करना पसंद करती थी। इसी तरह एक दिन टाउन के मार्केट में एंजेला कुछ बुक्स बाय करने के लिए गई। जब एंजेला वहां पर पहुंची तो उसने वहां पर फार्मर्स के एक बहुत ज़्यादा परेशान ग्रुप को देखा। वो तमाम फार्मर्स दिखने में बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे और वो बात कर रहे थे किसी अजीब से चैलेंज के बारे में। तमाम फार्मर्स आपस में बात कर रहे थे कि एक अजीब चैलेंज है जो उनके स्ट्रॉबेरीज फार्म्स के साथ पेश आ रहा है, जिसका वो सामना कर रहे थे। और इनका प्यारा स्ट्रॉबेरी फार्म अब तबाही के नहाने पर था। पास में ही बुक स्टॉल से एंजेला बुक्स बाय कर रही थी। उसने जब तमाम फार्मर्स की ये बातें सुनी तो उसने उनकी तरफ अपनी अटेंशन को डाइवर्ट किया और उसने तमाम फार्मर्स से कॉन्टेक्ट किया और उन्हें मदद करने की ऑफर की। तमाम फार्मर्स ने एंजेला को बताया कि उनका एक खूबसूरत सा स्ट्रॉबेरी फार्म था, जो आज से बहुत पहले मज़ेदार बड़ी और मीठी स्ट्रॉबेरीज से भरा हुआ था, लेकिन अब एक ऐसी मिस्टीरियस डिजीज है जिसकी वजह से स्ट्रॉबेरी के तमाम फील्ड्स बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तमाम प्लांट्स खराब हो चुके हैं। फार्मर्स ने एंजेला को बताया कि हमने हर तरह की कोशिश करके देख लिया है, बहुत सारी फर्टिलाइज भी यूज की, लेकिन फार्म की हालत रोज बरोज खराब होती जा रही है। ये सब सुनने के बाद एंजेला ने फार्मर्स को कहा कि आप लोग परेशान ना हो, मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी और इस मसले का कोई ना कोई सलूशन भी निकाल लूंगी। और इसके बाद एंजेला ने इन स्ट्रॉबेरीज के फील्ड में रोज जाना शुरू कर दिया। वहाँ जाकर उन पौधों को गौर से देखती थी और वहां जाकर उनकी मिस्टीरियस डिजीज के बारे में, उन सिम्टम्स के बारे में जानने की कोशिश करती थी। एंजेला ने उन पौधों के बारे में नॉलेज हासिल करने और उनकी डिजीज के तमाम सिम्टम्स को इकट्ठा करने और उनका एनालिसिस करने में अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। एंजेला रोज वहां पर जाती थी और बहुत दिनों की रिसर्च के बाद एंजेला ने स्ट्रॉबेरीज फार्म में एक बहुत अजीब सी चीज को नोटिस किया। एंजेला ने नोटिस किया कि लेडी बग्स का एक बहुत छोटा सा ग्रुप स्ट्रॉबेरीज के कुछ प्लांट्स के दरमियान ग्रो कर रहा था। उन लेडी बग्स के इर्द गिर्द जितनी भी स्ट्रॉबेरीज थीं, वो तो बिल्कुल ठीक नजर आ रही थीं और प्लांट्स भी बहुत ज्यादा हेल्दी और हैप्पी दिखाई दे रहे थे। एंजेला ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुई कि बाकी तमाम प्लांट्स तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, लेकिन ये प्लांट्स इतने ज्यादा हेल्दी कैसे हो सकते हैं। और फिर इन सब को देखने के बाद, तमाम चीजों का एनालिसिस करने के बाद, एंजेला ने एग्रीकल्चर के मुख्तलिफ किताबों को स्टडी करना शुरू कर दिया और उसने ये भी समझने की कोशिश की कि इन लेडी बग्स और स्ट्रॉबेरीज के फील्ड में आखिर ऐसा क्या कनेक्शन है। तो बस फिर एंजेला ने मुख्तलिफ बुक्स को पढ़ना शुरू किया और उनसे बहुत सारी मालूमात इकट्ठी करना शुरू की। अपनी ऑब्जर्वेशंस और रिसर्च के बाद एंजेला ने ये दरियाफ्त किया और फार्मर्स को बुलाया और उनको बताया कि स्ट्रॉबेरीज के इन फील्ड्स को एफिडिस नाम के कीड़ों ने बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया है। छोटे एफिडिस कीड़े इन स्ट्रॉबेरीज के पौधों में बहुत सारे एग्स को स्प्रेड करते हैं, से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं और इसीलिए आप लोगों के तमाम स्ट्रॉबेरीज खराब और डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। ये तमाम काम इन छोटे एफिडिस कीड़ों का है। मैंने फार्मर्स को ये भी बताया कि इसका एक बहुत यूनिक सलूशन मेरे पास है, अगर आप चाहें तो मैं आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। तमाम फार्मर्स ने एंजेला से कहा कि जरूर आप हमारी मदद कीजिए, ये तो हमारे लिए ब्लेसिंग्स होंगी। एंजेला ने इन फार्मर्स को बताया कि इन छोटे एफिडिस कीड़ों को लेडी बग्स बहुत शौक से खाते हैं। अगर हम स्ट्रॉबेरी के खेतों में लेडी बग्स की क्वांटिटी में इजाफा कर दें
और स्ट्रॉबेरीज के इन फील्ड्स में इन लेडीबग्स को जाकर छोड़ दें तो ये तमाम लेडीबग्स इन एफिडिस कीड़ों का शिकार कर लेंगी, इनको खा लेंगी और इसके बाद आप लोगों के फार्म्स पहले की तरह हेल्दी और बहुत ज्यादा प्यारे हो जाएंगे। तमाम फार्मर्स ने जल्दी से एंजेला के साथ मिलकर स्ट्रॉबेरीज के फील्ड में बहुत सारे लेडीबग्स के ग्रुप्स को फैला दिया और लेडीबग्स ने वहां पर पहुंचकर एक नेचुरल सिस्टम बनाया जो कि एफिडिस कीड़ों को कंट्रोल करने में मदद करता रहा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पर लेडीबग्स ने अपना जादुई काम करना शुरू कर दिया। लेडीबग्स ने वहां से एक एक करके तमाम एफिडिस कीड़ों को खाना शुरू कर दिया और जैसे ही उन एफिडिस कीड़ों का मुकम्मल खात्मा हो गया तो फॉर्म वापस अपनी असली हालत में आ गया। वहाँ की स्ट्रॉबेरीज पहले की तरह बहुत ज्यादा हेल्दी और सेफ थीं और अब स्ट्रॉबेरीज के तमाम फॉर्म पहले से कहीं ज्यादा हेल्दी और बहुत ज्यादा ग्रीन नजर आ रहे थे क्योंकि उस फॉर्म की तमाम डिजीज खत्म हो गई थी। फार्मर्स ने एंजेला की इस अकलमंदी और होशियारी का और उसकी मदद करने का और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया और इस तरह एक बार फिर एंजेला पूरी स्ट्रॉबेरी वैली में प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली वॉइस गर्ल के तौर पर फेमस हो गई। अब एंजेला हमेशा किसी नए चैलेंज को ढूंढकर लोगों की हेल्प करने लगी थी